टुडे वी आर स्टार्टिंग विद अवर नेक्स्ट टॉपिक इन एमएस वर्ड, अप्लाइंग टेक्स्ट एंड इफेक्ट्स. ठीक है, ओ सॉरी, ये वाला एडिट एंड फॉर्मेट टेक्स्ट. एडिट एंड फॉर्मेट टेक्स्ट से आज हमें स्टार्ट करना है. हम लाइन से सारे टॉपिक प्रैक्टिकल के साथ कवर करते जा रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट. एडिट एंड फॉर्मेट टेक्स्ट में सबसे पहले आपको टेक्स्ट को टाइप करना है. टेक्स्ट को टाइप करने के बाद जैसे ही आप ये फॉन्ट वाला पार्ट देख पा रहे हैं, यहीं से आपको सारा काम करना है. ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और अगर मैं ये वाले ऑप्शन पे जाती हूँ तो ये मेरा फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खुलता है. ठीक है, इसके अलावा अगर आप कीबोर्ड से कंट्रोल डी तब भी आपकी यही विंडो ओपन होती है. इस डायलॉग बॉक्स में आप देख पा रहे हैं यहाँ से आप एक ही साथ सारे काम कर सकते हैं. जैसे टेक्स्ट को बोल्ड इटैलिक करना है, यहाँ से फॉन्ट का साइज चेंज करना है ना, फॉन्ट को रेगुलर कितना करना है आपको, फॉन्ट का कलर, फॉन्ट का अंडरलाइन, अंडरलाइन का कलर, सिलेक्टेड मैटर का, आप सारी चीज़ें कर सकते हैं. जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया, मैं यहाँ चली गई है कंट्रोल डी. अब एक ऑप्शन है इसमें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ सैंपल देख पा रहे हैं. अगर मैं इसको स्ट्राइक थ्रू कर देती हूँ और ओके कर देती हूँ तो आपका ये जो टेक्स्ट है आप देख पा रहे हैं, बड़ा करके दिखाती हूँ, साइज एक लाइन से कट हो जाता है. फिर अगर मैं ये वाली लाइन को सिलेक्ट करूँ, मैं यहाँ से इंक्रीज फॉन्ट साइज कर रही हूँ, वापस यहीं जा रही हूँ, डबल स्ट्राइक थ्रू करती हूँ तो क्या होगा, देखो यहाँ पे उसका आ भी रहा है ना, दिस करेंट डॉक्यूमेंट थीम वॉज प्री डिफाइंड. ये देखो हमने इस पर क्लिक किया तो डबल स्ट्राइक थ्रू हो जाएगा. अगर मैंने पर्टिकुलर यहाँ से केवल इतना मैटर सिलेक्ट किया और मैं इसको यहाँ से भी कर सकती हूँ, फॉन्ट से भी सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट सुपर कर दूँ, तो आप देखिए अबव द टेक्स्ट मैटर आ रहा है. ये देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये, तो जैसे मुझे 10th 12th लिखना है तब मैं इसका यूज़ करती हूँ. अगर मैं इसको सिलेक्ट कर लूँ और मैं यहीं से डायरेक्ट सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक कर लूँ या वहाँ जाके सब स्क्रिप्ट पे क्लिक कर लूँ, तो सब स्क्रिप्ट करने पे नीचे जैसे आपको H2SO4 लिखना है, ये सारी चीज़ें हैं वो आप सब कर सकते हैं. उसके अलावा जैसे मैंने ये नेक्स्ट लाइन सेलेक्ट की और अगर मैं यहाँ पे होम पे चली जाऊँ, अब आपने ये ऑप्शंस बाहर शो नहीं होते हैं वो आप देख सकते हैं. बहुत सारे टेक्स्ट के और भी इफेक्ट हैं. जैसे मैंने इसको स्मॉल कैप्स कर दिया तो आप देखिए सारा कैपिटल में कन्वर्ट हो गया अपने ही आप, मैंने कुछ नहीं किया. ये आप केस से भी कर सकते हैं. उसके बाद अगर मैं ऑल कैप्स कर दूँ तो सारा कैपिटल भी होगा और साइज भी बड़ा होगा. उसके बाद अगर मैं इसको हिडन कर दूँ और हिडन हुआ नहीं अभी, यहाँ पे चाहें और हिडन कर दें और इसको हटा दें तो वो मैटर गायब हो गया. अब अगर मुझे उतना मैटर वापस चाहिए तो मैं इस पूरे को ही सिलेक्ट करके यहाँ से हिडन से क्लिक अगर हटा देती हूँ तो वो वापस दिखने लगता है. ठीक है, तो ये बहुत सारे टेक्स्ट के इफेक्ट्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए. और भी नीचे यहाँ पे टेक्स्ट इफेक्ट्स दिए हुए हैं, आप यहाँ से देखो आउटलाइन, उसकी शेडो, सारी चीज़ें आप यहाँ से, ग्लो एंड इफेक्ट, सब कुछ आप 3D VD सब सेट कर सकते हैं ये वाले टेक्स्ट इफेक्ट से. तो ये सारे आपके आ जाते हैं एडिट टेक्स्ट में. एडिट टेक्स्ट में आपका अलाइनमेंट वाला पार्ट भी आता है. जैसे मैंने इसको सेट किया, इसको मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से राइट अलाइन कर दिया, लेफ्ट अलाइन कर दिया, तो ये अलाइनमेंट हो गए. बॉर्डर्स एंड बुलेट्स देना, तो आपका ये फॉन्ट ग्रुप और पैराग्राफ ग्रुप ये पूरा ही आपका फॉर्मेट और एडिट में यूज होता है. आप चाहें तो यहाँ से केवल इतनी विंडो आप बनाएं, इतनी भी चल जाएगी आपकी, केवल ये होम टैब से स्टार्ट करके ये फॉन्ट ग्रुप और पैराग्राफ ग्रुप, ये दो विंडो बनाएंगे, प्लस आप कंट्रोल डी दबा के ये जो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खुलता है ये बनाएंगे. इतना बनाने पर भी आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे. इसको लिखने का एक पैटर्न मैं बता देती हूँ. जैसे मुझे स्ट्राइक थ्रू लिखना है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, अप्लाई अ सिंगल स्ट्राइक थ्रू, सिलेक्ट योर टेक्स्ट, होम टैब, स्ट्राइक थ्रू, फिर यहाँ से आपने इसको सर्कल बना के दिखा दिया. बस हर ऑप्शन को आप इस तरह से बना के दिखा दीजिए और उसके बाद वो जो कन्वर्जन होता है जिससे लाइन कटती है, जैसे कि ये वाला, आप ये वाली लाइन उसमें एक बना दीजिए. बस आप इतना लिखेंगे तो आपको पूरे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे. तो आप पूरा फॉन्ट फॉर्मेट एडिट इस तरह से यूज़ कर सकते हैं. तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें.